नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग शोज के बारे में, यानी कि जो भी म्यूजिक शोज हैं जो अब आने वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी जैसे कि आपको पता है इंडियन आइडल, अब इसके ऑडिशंस तो होंगे नहीं क्योंकि जुलाई में हो चुके थे, अब ये टेलीविजन पे आएगा। दूसरे पे हम बात करते हैं सारेगामापा की। सारेगामापा लिटिल चैंप अभी ऑडिशंस चल रहे हैं और उसके बाद जो सारेगामापा है वो आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक ऑडिशंस चल रहे हैं और जब तक सारेगामापा लिटिल चैंप खत्म नहीं हो जाता तब तक सारेगामापा ऑफिशियल नहीं आने वाला। अब कुछ और शोज बच जाते हैं, जैसे कि द वॉइस ऑफ इंडिया बच गया है। द वॉइस ऑफ इंडिया के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि भाई ये कब आएगा। इसके पीछे का रीज़न भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि ऐसा है कि भाई द वॉइस ऑफ इंडिया के अंदर जो ऑडिशंस होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, ऐसा बोला जाता है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जितने भी द वॉइस ऑफ इंडिया में कंटेस्टेंट्स गए थे उनको इंडियन आइडल में जल्दी जाने का मौका मिलता है, तो ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, द वॉइस ऑफ इंडिया जब स्टार्टिंग में आया था तब कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी, लेकिन अब जब सीजन आएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो गाइस द वॉइस ऑफ इंडिया का ये कहना तो नहीं है कि भाई ये शो कब देखने को मिलेगा क्योंकि कई सालों से ये आया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भाई ये शो आपको हो सकता है नवंबर या दिसंबर के एंड में देखने को मिल सके, यानी ऑडिशंस इसके देखने को मिल सके। अब बात करते हैं सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 की। अभी 2 चल रहा है तो 2 अभी ख़त्म भी नहीं हुआ। अगर हम 3 की बात करें तो गाइस ये 3 आपको दिसंबर के बाद यानी कि जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिलने वाला है, तो अभी तो इस साल तो ये आने वाला नहीं है। वहीं गाइस बात करते हैं तारी जमीन पर, एक सिंगिंग शो है जो स्टार प्लस पे आता था। अब ये शो गाइस हो सकता है कि आपको अक्टूबर के एंड में देखने को मिल जाए, लेकिन इसकी अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन तारे जमीन पर आएगा जरूर, वो भी इस साल के अंदर ही। तो बस अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिए और जैसे ये शो आते हैं तो हम ऑडिशन जरूर देंगे। सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ और शोज के बारे में जिनमें तो आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप सुरनावा दासनावा के अंदर ट्राई कर सकते हैं। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कभी भी किसी भी सिंगर का बैकग्राउंड उठा के देख लेना जो बड़े से बड़े शो में गया है, उसने कहीं ना कहीं किसी एक स्टेट वाले शो के अंदर पार्टिसिपेट किया है जो सिर्फ एक रीजनल लैंग्वेज में आता है। अब सुरनावा दासनावा की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक मराठी शो है, सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही इसको ज़्यादा देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप सुरनावा दासनावा में जाएंगे तो कॉम्पिटिशन भी कम है और ऊपर से आपके जो ग्रो होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि भाई जो अरुणिता काजीलाल है वो भी सुरनावा दासनावा की पहले कंटेस्टेंट रह चुकी हैं। बहुत सारे सिंगर्स आप देखेंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते, उनको कहीं ना कहीं आपने इन्हीं शोज में देखा है। बहुत सारे सुपरस्टार सिंगर में जो कंटेस्टेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा आपको जो कंटेस्टेंट्स हैं वो इन्हीं शोज से आए हुए मिलते हैं। तो गाइस जो मराठी शो होते हैं, तेलुगु शो होते हैं, पंजाबी शो होते हैं, भोजपुरी शो होते हैं, इन शो में भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि इन शो से आपको टेलीविजन के अंदर एंट्री काफ़ी आसानी से मिल जाती है। हालांकि ये शो भी टेलीविजन पे आते हैं लेकिन जो वाइड ऑडियंस है वो आप आसानी से ले सकते हैं। एक और शो है जैसे सुपर सिंगर, सुपर सिंगर भी एक शायद तमिल शो है। इस शो के अंदर भी भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है और कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में देखिए कि भाई कौन सा शो है जो पॉपुलर है, जो सिंगिंग शो है, और क्या वो टेलीविजन पे आता है या नहीं, उसकी पॉपुलरिटी कितनी है। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये टेलीविजन पे भी आता है और इसकी पॉपुलरिटी भी है और ये एक स्टेट वाइज शो है यानी हमारी लैंग्वेज का ही शो है, तो उस शो में आपको जरूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि यही शो आपको आगे तक ले जाते हैं और ये जेन्युइन भी होते हैं, इनमें स्क्रिप्टेड नहीं होता बिल्कुल भी। वैसे तो गाइज मैं आपको हर तरह की अपडेट देता ही हूँ, हर स्टेट वाइज शोज की भी अपडेट देता रहता हूँ। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो जरूर इसको लाइक करिए क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको इसी तरह की सिंगिंग अपडेट लाकर देता रहता हूँ। गाइज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई सारेगामापा के अंदर कैसे जाएं, कैसे पार्टिसिपेट करें, तो एक बार ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रॉपर बताया हुआ है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।